आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबर का। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं एवं नवमी के लिए आज यानी 28 जनवरी को आयोजित की जा रही है। इसके लिए रीवा में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2437 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के संचालन के लिए सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य डॉक्टर डीके पाठक को सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बताया गया है कि रीवा में निर्धारित किए गए केंद्रों में सेंट्रल एकेडमी, ज्योति स्कूल, सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, बाल भारती स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में छात्रों के बैठने हेतु व्यवस्था बनाई गई है। कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी जबकि कक्षा नवमी की प्रवेश परीक्षा में सिर्फ लड़के ही शामिल हो रहे हैं। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। कक्षा छठवीं की परीक्षा के लिए आज दोपहर 2 से 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह नवमीं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे के बीच परीक्षा केंद्रों में हो रही है। परीक्षा चल रही है क्या, कैसे? ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2024 का। इसमें शहर में 5 सेंटर बनाए गए हैं और 2437 बच्चे इसमें अपीयर होने जा रहे हैं विभिन्न 5 केंद्रों में। रीवा में नंबर 1 का केंद्र है, जो केंद्र नंबर 1 है केंद्रीय विद्यालय सिविल लाइन रीवा, नंबर 2 का सेंट्रल एकेडमी सिविल लाइन रीवा, नंबर 3 का ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 4 नंबर का सेक्रेट हार्ट और 5वें नंबर का बाल भारती स्कूल। कितने बजे से कितने तक चलनी है सर ये एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 2 बजे शुरू होगा, 4:30 बजे तक होगा 6 क्लास के लिए और 9 क्लास के लिए 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का टाइम है। अगर कोई बच्चा उसमें PWD होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा मिलेगा, 40 मिनट का ज़्यादा समय दिया जाएगा। सिक्योरिटी इसमें पूरी ली गई है, फ्रिस्किंग हो रही है हर बच्चे की और हर बच्चे की बायो केमिस्ट्री होती है तो बायो फ्रिस्किंग भी हो रही है और सभी सेंटर्स में पुलिसमैन हैं। जो ऊपर से हमें निर्देश दिए थे उस निर्देश के अकॉर्डिंग हर सेंटर पे 4 पुलिसमैन और 1 सब इंस्पेक्टर रैंक का वहाँ पर पर्सन मौजूद है।